दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते IPL 2024 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर IPL से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन हो और MI की टीम की जर्सी बिल्कुल फ्री में जीतना चाहते हो, तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से जो भी बड़ा अपडेट आता है सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो अपडेट दे देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हूँ और आप लोगों को मुंबई इंडियंस की टीम की जर्सी बिल्कुल फ्री में भी देने वाला हूँ, तो फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट कायरन पोलार्ड की तरफ से निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, घोषणा हो चुकी है कि हमें MI की टीम के अंदर यानी कि MI की टीम के अंदर खेलते हुए कायरन पोलार्ड फिर से नजर आने वाले हैं। जहां दोस्तों, हमें MI न्यूयॉर्क की टीम की ओर से कायरन पोलार्ड खेलते हुए दिखने वाले हैं 2023 के सीजन के अंदर। तो काफी अच्छी खुशखबरी MI की टीम के फ्रेंचाइजी को मिल चुकी है और MI न्यूयॉर्क टीम की हमें कप्तानी भी करते हुए नजर आने वाली है। तो ये जितने भी दोस्तों MI न्यूयॉर्क और MI कैप्टन की टीम की जो डिटेल्स रहती है और जो भी बड़ा अपडेट आता है, तो MI की टीम की ओर से जो भी बड़ा अपडेट आता है IPL से रिलेटेड भी सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दे रहे हैं। और हम दोस्तों ज्यादा वीडियोस नहीं बना रहे, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर MI की टीम के बड़े वाले फैन हो तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की। बड़ा अपडेट डेवर्ल्ड ब्रिवीज की तरफ से निकल कर आया है। जहाँ दोस्तों, डेवर्ल्ड ब्रिवीज को IPL 2023 के सीजन के अंदर MI की टीम के अंदर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और तब से दोस्तों IPL की जो दूसरी फ्रेंचाइजी यानी कि अदर्स फ्रेंचाइजी वो चाहती है कि डेवर्ल्ड ब्रिवीज हमारी टीम के अंदर ट्रेड हो जाए। जहाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने साफ मना कर दिया सभी IPL की फ्रेंचाइजियों को। लगभग 3 से 4 IPL की टीमें जो कि डेवर्ल्ड ब्रिवीज को अपनी टीम के अंदर इंक्लूड करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों MI की टीम ने मना कर दिया, क्योंकि डेवर्ल्ड ब्रिवीज को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड प्रपोजल भी मिल रहे थे और काफी बड़े ऑफर्स भी मिल रहे थे। और ये सभी अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दी थी आप लोगों को, तो फटाफट बोल रहा हूँ एक बार फिर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बस आप लोगों को क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को डेवर्ल्ड ब्रिवीज को ट्रेड करना चाहिए या फिर अपनी टीम की प्लेइंग 11 के अंदर जगह देनी चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। लेकिन अभी जैसे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं, MI की टीम ने मना कर दिया डेवर्ल्ड ब्रिवीज को ट्रेड करने से किसी भी IPL टीम के अंदर। तो दोस्तों, बस ये वीडियो यहीं तक थी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर और MI की टीम के IPL 2024 के स्क्वाड को लेकर, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, IPL 2024 के सीजन में हमें MI की टीम का कैसा स्क्वाड नजर आने वाला, उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।